हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, सेल में मार्केट चले जाऊंगी। फिलहाल काफी ज्यादा शानदार चल रहा है, क्योंकि काफी सारी मुसीबतों के बाद अब सत्या देवी मान गई है शादी करने के लिए विकी चाचू से। इसके लिए विकी चाचू और समर को काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े, कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जो सीरियल में अमरनाथ का चैप्टर आया था, वह भी अब साफ हो चुका है, उसकी भी अब कोई दुविधा नहीं है विकी चाचू और सत्या देवी की लाइफ में। दोस्तों मैं बता दूं कि आने वाला एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि तमाम मुसीबतों के बाद अब फाइनली सत्या देवी और विकी चाचू की शादी होने वाली है सीरियल में, जिसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपने देखी है अभी फिलहाल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी फैमिली अब सत्या देवी और विकी चाचू के सपोर्ट में है। जहां पर लास्ट एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि रिचा और जो जया की दो बहनें हैं, वह दोनों ही शादी से इनकार कर देती है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वह कारण बताएगी वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी इस शादी के बाद, कुछ ऐसे शब्द बोलते हुए आपको सीरियल में नजर आएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद फाइनली सब मान जाने वाले हैं सीरियल के लिए। जैसा कि आप तस्वीर में देख के समझ गए होंगे कि समर की पूरी फैमिली और जया की पूरी फैमिली इस शादी में शामिल है, और वहीं पे सत्या देवी के तीनों दामाद भी इस शादी में आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख के समझ गए होंगे। और दोस्तों बता दूं कि सीरियल का पूरा जहां तक सीरियल का जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाने वाला है, इसके बीच में आपको खट्टी मीठी नोकझोंक तो देखने को मिलेगी सीरियल में। ऐसे में सीरियल काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों बता दूं कि केवल शादी ही नहीं, शादी के बाद पहली रसोई की रस्म भी सत्या देवी का इंतजार कर रही है प्रेम कुटीर में, यानी समर के घर पर, यानी विकी चाचू के घर में। और दोस्तों उसके बाद स्टोरी लाइन कहां पर जाती है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और हाल फिलहाल में दोस्तों अगर आपने सीरियल में नोटिस किया है, तो सीरियल में एक चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि विकी चाचू है पूरे व्यापार के, यानी पूरे बिजनेस के 80% हिस्सेदार। दोस्तों इस बात को सीरियल में कई बार हाईलाइट किया जा चुका है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में आगे जाके हमें इस टॉपिक को देखकर स्टोरी लाइन को जोड़ा जाए कि विकी चाचू 80% जहाँ पर पूरे ज्वेलरी के मालिक है, पूरे बिजनेस के मालिक हैं 80% विकी चाचू। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टोरी लाइन में इसे कैसे जोड़ा जाता है। हालांकि ये तो शायद लग रहा है कि इसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि बार बार इस बात को हाईलाइट किया जाता है कि समर का परिवार 20% है और विकी चाचू की हिस्सेदारी 80% है। कई बार ये बात हाईलाइट हुई है। तो आई थिंक दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा आने वाले एपिसोड में क्या होगा। और तस्वीरें देखी होगी आपने सत्या देवी की कि किस प्रकार से वह दुल्हन के रूप में तैयार हुई है, और विकी चाचू भी काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं। तो ऑल ओवर बताइए दोस्तों आपको सीरियल में मायके चली जाऊंगी कितना पसंद आ रहा है, और आप इसे सीरियल को देखना कितना पसंद करते हैं, और विकी चाचू की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है सीरियल के अंदर। दोस्तों कमेंट में जवाब देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।